एक बार फिर से मेरे न्यू इटकियन 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षकों के लिए अपडेट। एसएस मद से वेतन पाने वाले सभी शिक्षकों के लिए माह अप्रैल का अपडेट, वेतन अपडेट। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। सबसे पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी मैं अपडेट देता हूँ तो आप वीडियो वॉच नहीं करते हैं, बिना वीडियो वॉच किए हुए आप कॉमेंट कर देते हैं। तो कृपया इस तरह का नहीं करें, कॉमेंट वीडियो वॉच कर लें। अगर आप के जिला का अपडेट नहीं हो तभी आप कमेंट करें, मैं आपका भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले हम पटना जिला का अपडेट देखते हैं। पटना जिला से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह में एसएस मद से माह अप्रैल का वेतन भुगतान होने की पूर्ण संभावना है। वहीं जीओबी मद से वेतन पाने वाले सभी शिक्षकों के लिए राशि अभी तक जिला में अप्राप्त है। वहीं गया जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद से माह अप्रैल का भुगतान आज होने की पूर्ण संभावना है। विपत्र बैंक में चला गया है, संघ प्रयास कर रहा है कि आज ही इसका वेतन भुगतान हो जाए। वहीं जमुई जिला से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लक्ष्मीपुर और सोने का छोड़कर शेष सभी प्रखंड का विपत्र बैंक में चला गया है, उम्मीद है कि आज ही इसका भुगतान हो जाए, कोई प्रॉब्लम तकनीकी प्रॉब्लम नहीं आई तो आज निश्चित रूप से इसका वेतन भुगतान हो जाएगा। ये दो प्रखंड का भुगतान राशि जिला में कम है, राशि आने के बाद ही भुगतान होगा। वहीं कटिहार जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद से माह अप्रैल का भुगतान आपको अगले सप्ताह में होगा, क्योंकि सभी प्रखंड का अभी तक पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया था कि विपत्र जमा नहीं है, निगेटिव नहीं जमा है, मेल भी नहीं प्राप्त हुआ है। वहीं बांका जिला से मिली जानकारी के अनुसार एसएस मद से माह अप्रैल का अभी बैंक को विपत्र जमा करा दिया गया है और संघ इसके लिए बैंक में ही प्रयास कर रहा है कि आज इसका वेतन भुगतान कराया जाए, अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो सोमवार को निश्चित रूप से हो जाएगा। वहीं अररिया जिला से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आज वेतन भुगतान के लिए संघ प्रयासरत है, अगर नहीं होता है तो अगले सप्ताह में इसका वेतन भुगतान होगा। वहीं पश्चिमी चंपारण जिला से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कल एसएस मद का अप्रैल का भुगतान हो चुका है और डीए का भुगतान रह गया है, जो कि आपको सोमवार को भुगतान होने की पूर्ण संभावना है। वहीं सीतामढ़ी जिला से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, कल के वीडियो में भी मैंने अपडेट किया था, लेकिन लगातार शिक्षक बिना वीडियो वॉच किए हुए कमेंट कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि सीतामढ़ी जिला का अगले सप्ताह में भुगतान होगा, कृपया आप वीडियो वॉच कर ले उसके बाद ही कमेंट करें। वहीं मुंगेर जिला मैंने कॉल किया था लेकिन वहां से कॉल रिसीव नहीं हो पाया है। जैसे ही मुंगेर जिला का अपडेट आएगा आपको मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा। और रोहतास जिला भी मैंने कॉल किया था उत्तम जी के पास, लेकिन उत्तम जी किसी कार्य में व्यस्त थे जिसके वजह से वहाँ से अपडेट नहीं मिला है। शेष जिला का जैसे ही अपडेट प्राप्त होगा मैं आप सभी को देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बनाए आने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।